हेलो। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं टीएलएफ क्रिएटर्स टीम का पार्ट हूँ, तो हमारी टीम में जो भी कोई ज्वाइन करता है, हम सभी लोगों को क्रिएटर बनाने पर फोकस करते हैं, जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके और ना केवल फॉरएवर बल्कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वो बिल्ड कर पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं मेरे एक डाउनलाइन के चैनल का ऑडिट कर रही हूँ, जिससे कि वो उनकी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करे, मिस्टेक्स को सही करे और उसके बाद में उनके यूट्यूब चैनल पे अच्छे से व्यूज भी आए और अच्छे से उनका बिजनेस भी चले। तो आप लोगों के साथ में भी मैं यूट्यूब पर शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप सभी लोग भी अगर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं फॉरवर्ड स्पेसिफिक या किसी भी नेट मार्केटिंग कंपनी में आप हैं, तो किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसको पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे ही पूरा देखिएगा, क्योंकि स्किप कर देते हो ना आप लोग तो उससे होता क्या है, आपको आधी चीजें समझ आती है आधी चीजें नहीं समझ आती। तो स्किप बिल्कुल मत करना। और मुझे पहली बार देख रहे हो, उस चेहरे को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज मिलते रहे। और आप अगर चाहते हैं कि आपको मेरी एक भी वीडियो मिस ना हो, जिससे कि आपको मेरा हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे, तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा एंड। तो जैसे ही मैं यूट्यूब खोलती हूँ और मेरी डाउनलाइन का चैनल डालती हूँ, चैनल का नाम भावना सनवानी, जैसे ही उनका नाम मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना उनकी वीडियोज आने लग गई। दैट इज गुड। ये होना चाहिए कि अगर आपके बारे में आपका नाम डाल रहे हैं, आपके चैनल का नाम डाल रहे हैं, आपकी वीडियोज दिखने लग जानी चाहिए। इट मीन्स आपने जो बेसिक सेटिंग करी है वो ठीक है और इसमें कॉम्पिटिशन भी कम है। बट आई सजेस्ट भावना जी कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप डिजिटल भावना सुनवानी की जगह पे भावना सुनवानी करिएगा, डिजिटल हटा दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं बना रहे, हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्पेसिफिक वीडियोस बना रहे हैं। तो अगर आप आपका नाम रखेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग का एक फैक्टर होता है कि आपके नाम का ही अगर आप चैनल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और साथ में लोगों को ध्यान भी रहता है ना। भावना सुनवानी आप रखोगे एक बार के लिए, कोई भी डालता है भावना सुनवानी डाल रहे हो, आप इससे रिलेटेड वीडियोस आएंगी। लेकिन डिजिटल भावना सुनवानी आप डाल रहे हो तो जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रही है भावना जी, उनसे उनके भी वीडियोस आने लगेंगे। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी कम हो जाता है जब आपका ही नाम डाल रहे हो और उसके अलावा लोगों को ध्यान भी रहता है। अब देखिए सबसे पहले अबाउट सेक्शन चेक करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं डाल रखा है। तो भावना जी आप यहाँ पे अबाउट में आपके बारे में डालिए, आपके चैनल में किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहे हो, जैसे कि फॉरवर्ड स्पेसिफिक, वो सब डालिए। आपसे कांटेक्ट कोई कर सके उसके लिए ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका फनल, सब कुछ डालिए। अभी जैसे आपने दो ही वीडियो डाली है, राइट? तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि ये थंबनेल मैंने आपको बनाकर दिया था, एलोवेरा नेक्टर महिला के लिए वरदान, राइट? तो यहाँ पर आप देखो कि नेक्टर के बारे में हम बता रहे हैं, है ना, और फॉरवर का है, तो हमने यहाँ पे लोगो भी बनाया हुआ है, राइट? और ये लोग सर्च कर रहे हैं, आपने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, थंबनेल भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो लोग इसको सर्च करेंगे, आपका थंबनेल देखेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे। लेकिन यही आप एलोवेरा के बेनिफिट बता रहे हो जो कि लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, राइट? सभी लोगों को पता है एलोवेरा के बेनिफिट क्या है। तो कोशिश करिए कि ऐसी वीडियोस बनाइए जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक के ऊपर, ऐसे कीवर्ड के ऊपर वीडियोस बनाइए जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, उन पर नहीं जिन पर हम बनाना चाहते हैं, उन पर नहीं जो हमें आता है। हमें ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी है, ऐसे कीवर्ड पे काम करना है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे कि फॉरवर के प्रोडक्ट से रिलेटेड आप वीडियोस बनाइए, जैसे कि एलोवेरी नेक्टर आपने बनाया। फिर उसके बाद बात करते हैं आपके थंबनेल की। देखिए थंबनेल ये भी आपने अच्छा बनाया है ना, जैसे थंबनेल जो आपने बनाया है इसमें आपने आपको फोटो लगाया, दैट इज गुड। एलोवेरा के बारे में बात करी तो एलोवेरा का भी फोटो है ना, एलोवेरा के बेनिफिट ऊपर डाला, वो ठीक है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है, अच्छा है। बस ये जैसे इमेज आपने जो डाला है ना, इसमें बैकग्राउंड रिमूव अच्छे से करो, है ना, रिमूव डॉट बी जी एक साइट है, उसमें आप आराम से रिमूव कर सकते हो। बट आई सजेस्ट कि फोटोज जो भी डाल रहे हो अच्छी क्वालिटी का फोटो लो और उसको बैकग्राउंड रिमूव करके ही डालो, जिससे कि वो और इफेक्टिव दिखे। फिर अब आपकी लेटेस्ट वीडियो खोल लेते हैं। लेटेस्ट वीडियो में आप आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो, दैट इज गुड, है ना, अच्छे से तैयार होके अच्छे से आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, दैट इज गुड। फोन नंबर आपने डाला हुआ है, ये सब ठीक है ना।
देखिए यहाँ पे ना, जो भी आप थंबनेल डालो वीडियोस में, उसके अलावा आपको टाइटल का ध्यान रखना है। टाइटल जो है थोड़ा और अच्छा आप डालिए, है ना। जैसे आपने दो ही वीडियो डाली है, तो इसका भी थंबनेल पर देखेंगे, बून फॉर वुमेन एलोवेरिन एक्टर, तो यहाँ पे कहीं भी फॉरवर्ड नहीं है, है ना। तो आपका जो टाइटल है, आपके जो टाइटल है उसे बून फॉर वुमेन एलोवेरिन एक्टर के साथ साथ में बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरिन एक्टर फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट, उसका भी नाम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको टाइटल में ऐसे ही कीवर्ड्स डालने हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आप ऐसे एक टाइटल डाल दोगे ना, तो वो रैंक नहीं करेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है वीडियोस बनाते टाइम कि आपका टाइटल जो है उसमें अच्छे से कीवर्ड प्लेस हो, जिससे कि वो सर्च इंजन के ऊपर टॉप पोजीशन पे आए। टॉप पोजीशन मतलब 1, 2, 3, ये रैंक्स होती है, 1, 2, है ना, 3, इस तरीके से जो रैंक्स है उनमें आपका वीडियो आए। क्लियर। वीडियो मैंने आपका पहले देखा था, तो वीडियो आप ठीक बना रहे हो स्टार्टिंग के हिसाब से, ठीक है। बस बनाते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए YouTube में, बस कंसिस्टेंसी से ही आप अच्छे से रिजल्ट ला सकते हो। अब देखिए ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रखी है आपने। ये ना आपने जो डिस्क्रिप्शन डाला है, देखो यहाँ पे आप देखो, ये पढ़ने में ही नहीं आ रहा बिल्कुल, इसका फॉर्मेटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये कोई भी देखेगा ना, तो आप कभी कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा जिससे लोग आपको कॉन्टेक्ट करें, है ना, आपका फोन नंबर, आपका फनल, जिससे कि लोग हमारा मास्टर क्लास अटेंड कर सके, आपका स्पॉन्सर आईडी, आपका ईमेल आईडी, ये सारी चीजें टॉप पे होनी चाहिए, है ना, ये होना चाहिए टॉप पर। देन उसके बाद में आपके वीडियो किस बारे में है, अबाउट द वीडियो इसके नीचे में होना चाहिए, ठीक है। अबाउट द वीडियो जो है वो नीचे में होना चाहिए, तो इसको ऊपर डाल दीजिएगा, इसको एडिट करिएगा। अब एडिट कहाँ से करना है, YouTube स्टूडियो से आप एडिट कर सकते हो इसको डालने के बाद में, है ना। YouTube स्टूडियो में जाकर आप आपके टैग्स भी डाल सकते हो वीडियोस में, जो भी चेंज करना है, टाइटल में चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन में चेंज करना है, थंबनेल में चेंज करना है, सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि इस वीडियो में टैग्स नहीं है ना, तो टैग्स भी डालिए, vidIQ ऐसा आइकन जो है, है ना, vidIQ विजन आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके का यहाँ पे सिंबल है, इसको आप जो है इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लो, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के ऊपर हम क्या टैग्स डाल रहे हैं वो पता पड़ जाएगा। टैग्स डालिए, टैग्स डालने से क्या होगा कि जो यूट्यूब के सर्च रोबोट्स हैं उनको ट्रैक करने में, क्रॉल करने में ईजी रहेगा, जिससे कि आपकी वीडियोज टॉप पर आएंगी। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे इस एक्सटेंशन को, तो यहाँ पे इस तरीके से वीडियो ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट भी आएगा, इसको आप गो थ्रू करके भी अपनी वीडियो को टॉप पर ला सकते हैं, राइट। तो यही सारे चेंजेस आप स्टार्टिंग में करिए, फिर उसके बाद में आई सजेस्ट आपका बैनर भी अपडेट करना। ये आपने यूजर नेम चेंज कर लिया, दैट इज गुड, है ना, क्योंकि वो अलग से नंबर शो होता है ना, तो बहुत गंदा लगता है। ये भावना सुनवानी, आपने यूजर नेम डाल लिया है वो अच्छा है, इससे भी आपका चैनल नाम डाल दिया। अब यहाँ पे बैनर भी लगा दीजिएगा, और ये अच्छा किया आपने कि आपका खुद का फोटो लगाया, है ना। कोई भी सर्च कर रहा है और आपको जब पाता है ना, वो फिर आपसे कॉन्टेक्ट करना पसंद करता है। पर हमेशा बींग अ क्रिएटर आप हमेशा ध्यान रखें, ऐसा ही कॉन्टेंट बनाएं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, और हमेशा आपके जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में सोचिए, है ना। वीडियो बिल्कुल टू द पॉइंट बनाइए, और डिस्क्रिप्शन में भी इतना इजी रखिए सब कुछ, जिससे कि लोग तुरंत आपको बात कर पाए। तो दोस्तों, आई होप आज की इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिला होगा, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको करने चाहिए, और अगर नहीं बना रहे हो तो आने वाले टाइम पर अगर आप वीडियोस बनाते हो तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिला होगा। तो अगर वीडियो यहाँ तक एंड तक देख ही लिया है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहे। और साथ में दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।